आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू प्लेस द चार्ज क्यू एट ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एन। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से लेके करंट पोजिशन पे लाने में जो वर्क डन, निगेटिव वर्क डन हुआ, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सिंपल सा बात है कि एक कोई भी चार्ज क्यू है, और क्यू कहाँ पे? इनफाइनाइट पे है, और उसको लेके कहाँ पे आए हम? करंट पोजीशन पे। ओके, और इसमें जो हमारा निगेटिव वर्क डन हुआ, फिर ये हुआ फील्ड फोर्स को एफ मानते हैं डॉट डी आर, तो निगेटिव वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ करेंट पोजिशन इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब कह रहा है सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि ये कोई सिस्टम है Q1, Q2, Q3, Q4, ओके, हमारे पास ऐसा बहुत सारा चार्ज है, तो सभी चार्ज को इनफाइनाइट से ले करके करंट पोजीशन पे लाने में जितना वर्क डन हुआ, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू ब्रिंग ऑन चार्जेस ऑफ एनी सिस्टम फ्रॉम इनफिनाइट टू अ करेंट पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो हम सभी कॉर्नर पे चार्ज रखें जिसका मान है क्यू। ओके, तो पहले पेयर बनाएंगे कि इसमें कितना पेयर बन सकता है। तो देखिए, ये दोनों हुआ एक पेयर, पेयर वन, पेयर टू, पेयर थ्री, और इसको बोलते हैं पेयर फोर। ओके, हमारे पास चार पेयर है, और एक पेयर ऐसा बनेगा पेयर वन, और ये हुआ पेयर टू, मतलब कि डायगोनल पेयर हुआ दो गो, और आपका जो साइड का पेयर हुआ चार गो। तो ये पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होने वाला है? 4 × K Q, कौन सा क्यू है? बड़ा क्यू ना, तो यहाँ पे बड़ा क्यू, क्यू डिवाइड बाय एल, सबका साइड को कितना कहा है मानने के लिए? एल कहा है। ओके, तो इसका जो डायगोनल का मान कितना होगा? √2L। ओके, अब डायगोनल से दो पेयर बना, तो 2 × K Q Q डिवाइड बाय √2L, ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। ओके, थैंक यू।